आवाज साली याद करने के तरीके क्या? बस दो ही आवाज आने है। पूरा देखो व्युत्पत्ति में चित्र ना लो ये जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तु क्लोरीमेट्री का सिद्धांत है ये ना ना चित्र ना लो ये कल लिखवा दिया है सिद्धांत में ये अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को जब आपस में मिला देते हैं तो उनका ताप बराबर हो जाता है तब तक उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता रहता है चलेंगे दोनों चलते इधर को उसमें जा रही है दिशा हमने लिख दिया ना ऊपर P1 बड़ा स्प्रिंग बल का फॉर्मूला मतलब प्रत्यानयन बल का तो उसका कोई फॉर्मूला ढूंढना होता है एक्स स्क्वायर नहीं होता है सिर्फ के एक्स ही होता है ऐसा नहीं है दरअसल तुमने स्प्रिंग का पूछा था स्प्रिंग के कई सारे फॉर्मूला होते हैं टी बराबर 2π√m/k एफ बराबर 1/2π√m/k/m टी बराबर विस्थापन बोलो ये वाला तो इसमें अलग अलग फॉर्मूला होते हैं ऐसा लिखेंगे भाई माना माना दो वस्तु माना दो वस्तु ए तथा बी हैं ए तथा बी ये हैं कैपिटल ए कैपिटल बी ए तथा बी हैं जिनके ताप T1/T2 हैं T1/T2 हैं T1/T2 हैं और ब्रैकेट में ना वो लिख देना T1 बड़ा है T2 से देखो वो क्या लिख देना ये हैं जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है और जब इन वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु से जब इन दोनों वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह तो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप वाली वस्तु की ओर उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होता है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह
तब तक होता है जब तक, तब तक होता है जब तक इनके ताप समान नहीं हो जाते, जब तक इनके ताप समान नहीं हो जाते। हो जाते फिर सब लगा लेंगे माना, लिख लो माना, माना संयुक्त होने के पश्चात, माना संयुक्त होने के पश्चात दोनों वस्तुओं के ताप कैपिटल टी हैं, दोनों वस्तुओं के ताप कैपिटल टी हैं, कैपिटल टी हैं, तब कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार, तब कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार टी है कैपिटल टी, तब कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार, और सिद्धांत अनुसार ये है पहली वस्तु से, पहली वस्तु द्वारा लिखेंगे, द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरी वस्तु देखो, पहली वस्तु द्वारा दी गई उसमें क्यू वन, सुन लो भाई, एक नया फॉर्मूला अभी सिद्ध करेंगे इसके बाद में हम इसे, क्योंकि उसमें क्यू बराबर जो होता है एस एम डेल्टा टी होता है, एस एम डेल्टा टी, अभी अभी हम लिखने वाले हैं इसमें क्या है ये सब, तो हम कहेंगे यदि पहली वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, दरअसल हमें पहले ये कराना चाहिए था, कोई बात नहीं है रह गया, लेकिन अभी इसे कर देंगे इस आर्टिकल को भी, पहली वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा एस वन तथा दूसरी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा इससे ऊपर ही लिखना है, इससे इससे ऊपर लिखना है, यदि ये हमें यहाँ लिखने से अच्छा ना ऊपर लिख देंगे तो हमें ये क्वेश्चन हो जाएगा, यदि पहली वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा एफ एस वन बोल कर रहो, दूसरी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा एस टू है और उनके बता रहो तभी उतार लेंगे, और ये उतारने के बाद में देखो मतलब उतारना भी, चूँकि ऊष्मा क्यू बराबर इतनी होती है तो देखो पहली वस्तु के लिए क्यू वन का मान कितना हो जाएगा, ये सब वन वन हो जाएगा, एस वन एम डेल्टा टी, अब एम वन हो जाएगा,
देखो भाई डेल्टा टी जो है ना ताप में परिवर्तन है कितना हो गया होगा, सोचो इसका ताप जो था वो 30 था, इसका ताप 10 था, दोनों का ताप जो है ना वो कितना हो गया होगा, 15 हो गया होगा, 10 हो जाएगा। आप बाहर अंदर नहीं है, दो अलग अलग वस्तु हैं, ऐसा नहीं है। वो बाहर का वातावरण जब लगातार अंदर हो रहा है तब की बात है, ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, तो ये वस्तु है, ये वातावरण में सही नहीं कनेक्ट हो रही है। अगर ये उठाकर वातावरण में रख देंगे ना तो फिर वातावरण के ताप के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वातावरण तो अपने जैसा ताप करेगा। अब देखो इधर 30 था, ये टी वन था, ये टी है, कितने की इसमें कमी हुई, तो ये 20 होगा ना, फिर आधा करेंगे तो इसका 30 और 10 40 बटे दो करेंगे 20, तो इसमें कितने की कमी हुई, 10 की। इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 10 की। इसका का कैसे पता चल रहा है, इसका पता चल रहा था टी वन में से टी घटा रहे हैं तब हमें डेल्टा टी मिल रहा है, इसका कैसे पता चल रहा है आपके, इसमें से टी वन टी माइनस टी टू, तो ये डेल्टा टी वन हो जाएगा और ये डेल्टा टी टू हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए जब विशिष्ट ऊष्मा निकाल लेना तो ये है, और इसका मान जो आ जाएगा क्यू वन बराबर एस वन एम वन और डेल्टा टी, देखो डेल्टा टी क्या है, टी वन माइनस टी। अब दूसरा देख लो, हम कहेंगे क्यू टू बराबर हो जाएगा एस टू एम टू और डेल्टा टी टू, ये सब इसकी जगह वन 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 हो जाएगा, अब टू टू। अब यहाँ एस टू हो जाएगा, एम टू हो जाएगा, टी टू का मान कितना बनेगा, टी माइनस टी टू, ये क्या हो गया यू टू, ये बन गई थी हमारे पास, ये बन गई थी समीकरण एक। अब देखो उधर समीकरण एक में क्यू वन और क्यू टू का मान लगा देंगे हम, एक में मान रखने पर ये क्यू वन क्यू टू थे ना, तो क्यू वन का मान हमारे पास ये है और क्यू टू का मान ये, दोनों मान लगा देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा क्यू वन की जगह ये वाला मान और क्यू टू की जगह ये वाला मान, क्यू वन की जगह आ जाएगा एस वन एम वन टी वन माइनस टी, एस टू एम टू और टी माइनस टी टू, इसके अंदर गुणा करेंगे एस वन एम वन टी वन माइनस एस वन एम वन टी बराबर एस टू एम टू अब हमें जो है ना, अरे जो फाइनली ताप जो हो गया था हमारे पास, हमें वो मान निकालना है ये टी जो हो गया था, तो टी टी वाले पद एक जगह कर दो और ये वाले एक जगह कर दो, तो यहाँ हो जाएंगे एस वन एम वन टी वन, ये वाला मान इधर आ जाएगा एस टू एम टू टी टू बराबर, देखो ये माइनस वाला ना उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एस वन तो ये वाला मान उधर आ गया ना, तो हम इधर लिख रहे हैं ना इसे, कहीं भी लिख दो, वो तो आगे पीछे कर दो यार ईमानदार से। और तीनों बताइए यहाँ की लाइन आई क्या, अभी अभी लिखा था मैंने कुछ बताओ, बहुत ज्यादा जलालत वाला काम कर रहे हो तुम अपने लिए भी और घर वालों के लिए भी, और चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए ऐसा आदमी जो बिल्कुल आराम की खा रहा घर वालों की, समझिए ये बापू हो जाने लगे कब तक खाओगे बाप के उसमें, अबे कुछ अपना भी सीख लो, जब घर वाले पैसा लगा रहे हैं तो ये फालतू में बर्बाद करना रहो, यहाँ ऐसी बकवास बात में सड़क पर खड़ो के भी करते हैं, बहुत सारे जो अनपढ़ लोग हैं वो सब यही काम कर रहे हैं, तो उन भर तुम्हें फर्क क्या रहेगी, कुछ पूछो आता पता नहीं, यहाँ ऐसा समझते हैं जैसे कि बाप ने पैसा दे दिया जा बेटा चौपाल पर बातें कर कहा, एस वन एम वन टी और ये हो जाएगा एस टू एम टू टी
कुछ नहीं पता आगे पीछे का, बस यहाँ आए हैं, दो चार बात हो जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, बस हो गया। एस वन एम वन टी वन प्लस एस टू एम टू और टी टू, और इसमें से टी कॉमन ले लेंगे तो एस वन एम वन प्लस एस टू एम टू और यह टी आ जाएगा, क्योंकि हमें टी का मान निकालना था, इसे बट्टे में ले जाएंगे। एस वन एम वन टी वन एस टू एम टू और ये टी टू बटे एस वन एम वन एस टू एम टू बराबर टी। इधर टी को सीधे हाथ पर लिख दो, टी बराबर और टी बराबर आ जाएगा एस वन एम वन टी वन प्लस एस टू एम टू और ये टी टू बटे एस वन एम वन प्लस एस टू एम टू और ये होता है तुम्हारे पास ताप में इतना परिवर्तन। फाइनली दोनों वस्तुओं का ताप इतना हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से उतार लेंगे, लाइन कर लेंगे थी लास्ट सिद्धांत के अनुसार, तो क्लोरीमेट्री के सिद्धांत के अनुसार सही है, सिद्धांत के चलो क्लोरीमेट्री के सिद्धांत के अनुसार कहाँ से उतारो, यहाँ से उतारोगे, ये सब उतारोगे, ये उतारोगे, सब उतारोगे। हाँ हाँ, यह एक काम करना ना, लिख दिया, चलो लिखो यार, सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कर लो, हो जाए, चेंज कर दें। तो इसके तो समझ में वैसे भी ना आता ना, इधर आता ना उधर आता, तो हेडिंग है विशिष्ट ऊष्मा, हेडिंग विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, इसमें लिखेंगे अरे लिख लो भाई लिख लो, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, ऐसे लिखो, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ता है, तो उसका ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है और वस्तु वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है, आकार में प्रसार होता है, आकार में प्रसार होता है, आकार जब बदलेगा तो आकार में परिवर्तन होता है, चलो प्रसार होता है, प्रसार होता है, इस प्रकार इस प्रकार किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, नंबर वन यह ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है,
ये समीकरण नंबर एक लिख देंगे, क्यू अनुकर्मानुपाती एम, सेकंड में लिखेंगे यह है ऊष्मा वस्तु के ताप के ताप के मतलब ताप परिवर्तन के, या उसमें वस्तु के ताप परिवर्तन के ताप परिवर्तन के अनुकर्मानुपाती होती है। सेकंड वाली क्वेश्चन डाल लेंगे, यह ऊष्मा सेकंड ही थर्ड लिखेंगे अब, सेकंड में सेकंड ये उतार लेंगे ना, सेकंड समीकरण नंबर था लिखेंगे, यह ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। हाँ वस्तु लिख दो, यह वस्तु के पदार्थ की कर देंगे, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। वस्तु का जो पदार्थ है, वस्तु किस चीज़ से बनी होगी, किससे तो होगी, वस्तु के पदार्थ के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है, देखो सर हम कहेंगे समीकरण नंबर एक व दो को मिलाने पर क्यू अनुकर्मानुपाती है एम इंटू, देखो इधर क्यू अनुकर्मानुपाती है एम इंटू डेल्टा टी, क्यू हटाएंगे ये नेतांक, ये अनुकर्मानुपाती हटा देंगे, एक नेतांक लगा देंगे, स्मॉल एस ही होता है एक तरीके से, जहाँ एस एक नेतांक है, एस एक जिसे अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग मान होता है इसका, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग मान रहता है। हाँ जी उतार लेंगे, वो किसी का ठोका क्यों डालो यार, यहाँ तक आ जाओ, हाँ जी यहाँ जाएंगे नीचे एस बराबर क्यों तक आ जाओ, परिभाषा सूत्र से बनती है ना,
हाँ सब डालो, यहाँ तक आ जाओ, एस बराबर क्यू तक पूरे वाले यो। देखिए देखिए जल्दी, हाँ एस बराबर क्यों तक आ जाओ सारा बोर्ड पे जितना सब उतार लो। हाँ जी किसी की समझ में आ रही कोई परिभाषा, एस बराबर क्यू? हाँ जी बताओ क्या होगी परिभाषा, एस बराबर क्यू है? हाँ जी बताओ, उसमें नितांक के बराबर होती है, साहब उल्टा सीधा कर दिया, उसके विशिष्ट ऊष्मा नियतांक के बराबर होती है, विशिष्ट ऊष्मा तो सब गलत है। हो गया सबका यहाँ तक, लेंगे नीचे, हाँ एस बराबर क्यू के नीचे लिखेंगे यहाँ तक आने के बाद, किसी वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान, किसी वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप, किसी वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, कहते हैं। हो गया भाई, नीचे हेडिंग लेंगे विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक तथा विमा, हेडिंग न वो विशिष्ट ऊष्मा उसके नेतांक के नाम, एस क्यों के बराबर होगा, एस क्या है, एस विशिष्ट ऊष्मा है, क्यों ऊष्मा है खाली कर तो दिया, ऐसे नहीं कर रहे प्रदेश, विशिष्ट ऊष्मा को ऐसे प्रदेश कर रहे, हेडिंग है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक तथा विमा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक तथा विमा, क्यू का मात्रक होता है किलो कैलोरी, एम का मात्रक होता है किलोग्राम,
किलो कैलोरी किलोग्राम इंटू कैलवी। ये भी मात्रक होता है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसकी भीमा आ जाएगी जूल की। एम इसका मात्रक आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू ताप तो ताप ही रहता है। किलो कैलोरी, हाँ जी दोनों के कैलोरी वो एक साथ है ना, के अलग नहीं है, किलो कैलोरी एक साथ है, के सी एल एक साथ है। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ होती है, बहुत अंतर होता है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें जरूरत नहीं है। अब तुम कहो यार मेरे यहाँ अब वो मल्लम लगा दो, अना क्यों, अना मेरे आगे चल के भविष्य में घुजाट होगा, तो भैया वो जब होगा तब लगाएंगे, पहले क्यों लगाएंगे। घुजाट लगती है तो जिस चीज़ की जाएंगे, तो जिस चीज़ की जब जरूरत होती है ना उसका उपयोग तब किया जाता है। अब मैं तुमसे कहूँ भाई जाके बाथरूम में नहा लो, तुम कह रहे हो क्यों नहा लो भाई जाले में, क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी नहाने आ रहे, नहाओ जाके सब, हर कोई ये कहेगा क्यों दोबारा नहाओ, तीबारा नहाओ फिर तभी तो नहाओ। हाँ हाँ नहीं धनी हैंड डालेंगे गुप्त उष्मा, हाँ जी चलो ठीक है, मैं किसी और से परिवार से बनाऊँगा, वो ना बताए तो तुम्हें कूटूँ, क्योंकि तुम कह रहे कोई भी बना देगा, क्योंकि तुमने सबकी गारंटी ले ली है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक से पूछूँ उससे ना बताया जाए, तुम कहोगे जो ना बताया जाए तो मुझसे मुझे कूटियो सही से, तो आराम से सबको पढ़ने दो बेचारों को, ये होता है क्योंकि सब पढ़ नहीं आए हैं, किसी की समझ में आया था किसी ने। और एक और बात है, तुम ये सोचो कि जैसे तुमने पढ़ाई में बता दिया किसी से नहीं बताएगा तो सही है, मैं समझ रहा हूँ गए गुजरा, अब हो सकता है किसी और काम में होशियार हो, वो तुमसे ना होगा। तो हर आदमी दुनिया में एक विशेष गुण लेकर पैदा होता है, जो अपने गुण को पहचान जाता है वो होशियार हो जाता है। एक साल के बच्चे ने क्या कर दिया देखो, अरे परिभाषा लिख लो भाई, मिलेंगे किसी वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान, किसी वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान किसी वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा या ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन
दी गई ऊष्मा या ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु की होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु की उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद रखना, गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। एक आदमी को आग में फेंक दिया जाए, एक को भाप में फेंक दिया जाए, तो भाप वाला ज़्यादा जल जाएगा आग की तुलना में, क्योंकि तो भाप की गुप्त ऊष्मा गुप्त ऊष्मा अधिक होती है भाप की। गुप्त ऊष्मा कहते हैं उस वस्तु, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हो गया भाई, नहीं नहीं, इसे कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। और जी एल बराबर लिख दो क्यू अपॉन एम, गुप्त ऊष्मा का मात्रक तथा विमा निकाल दो, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम हो जाएगा या जूल प्रति किलोग्राम। लिख दो ये एल बराबर क्यू अपॉन एम, और नीचे लिख दो गुप्त ऊष्मा का मात्रक तथा विमा, गुप्त ऊष्मा का मात्रक तथा विमा। ऊपर देखो क्यों के लिए आ जाएगा, छोड़ो इसके लिए आ जाएगा जूल, इसके लिए आ जाएगा किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, और उसी से मैं बीमा निकाल देना। तुम बताओ क्या हो जब पूछ रहे हो तुम। नीचे लिख दो जूल प्रति किलोग्राम। क्या होगा इसमें चला करिएगा, क्या देखोगे ये ना थे? वीडियो देख ले, वीडियो में कोई दिखा देगा तुम्हें। इसमें लिख दो बीमा भी निकाल दो इसकी, वो भी सब।